हेलो दोस्त, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हो तो आप ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड कैसे चेक कर सकते हैं वो सब डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम लैंड रिकॉर्ड रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको एक डिस्क्लेमर मिल जाएगा, इसमें ये लिखा हुआ है, डिस्क्लेमर, ये काफी सिर्फ मालूमाती मकसद के लिए है, इसे फिलहाल कानूनी तौर पर तस्लीम किया जाएगा और इसकी बुनियाद पर जमीन की मालिकियत का दावा काबिल कबूल नहीं होगा। सरकारी काम या तस्दीक शुदा कापी के लिए ऑनलाइन दरखास्त या मुतल्लिका तहसील में राबिता करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो रिपोर्ट यहां से आप डाउनलोड करेंगे इस वेबसाइट से, ये आपको जो है लीगली तौर पर इससे नहीं माना जाएगा कहीं भी। अगर आपको कहीं ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड की रिपोर्ट सबमिट करवानी है तो इसके लिए आपको अलग से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और उसमें जो है आपकी फी पेमेंट वगैरह भी कट होती है। अगर उस पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको उस पर भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ। तो फिलहाल हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना और यहाँ पर सर्च बार में आकर आपने टाइप कर लेना है लैंड रिकॉर्ड्स .jk.gov.in और इंटर कर लेना है। उसके बाद आपके पास इस तरह से ऑफिशियल पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर जो है लॉगिन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अकाउंट बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सिंपल सर्च लैंड रिकॉर्ड्स पे क्लिक कर लेंगे, आपकी ज़मीन आपकी निगरानी पे। उसके बाद एज अ गेस्ट डेटा व्यूअर आपका यूज़र जो है वो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कुछ ही फंक्शंस दिए गए हुए हैं, जैसे नंबर फर्स्ट पे दिया गया हुआ है लैंड रिकॉर्ड्स। अगर आपको लैंड रिपोर्ट यानी जमीन की कोई भी नकल निकालनी हो तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन आता है लिंक मोबाइल एंड आधार नंबर टू लैंड रिकॉर्ड्स। अगर आपको अपना मोबाइल और आधार नंबर जो है अपने लैंड रिकॉर्ड्स के साथ लिंक करना है तो इसके लिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद थर्ड इसमें दिया है व्यू मैप्स, ये सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, जम्मू और श्रीनगर। यहाँ पर जो है आप अपनी लैंड को जो है एज अ मैप यूज करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है फीडबैक और ग्रीवेंस, यहाँ पे आप इस साइट के इस पोर्टल के बारे में फीडबैक या ग्रीवेंस दे सकते हैं। इसके बाद डिजिटलाइज जमाबंदी में आप जमाबंदी को 22 लैंग्वेजेस में देख सकते हैं। इसके बाद डैशबोर्ड पे क्लिक करके आप लैंड रिकॉर्ड का जो डैशबोर्ड है वो चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लैंड रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप लैंड रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं। इस पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद तहसील को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी विलेज को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने सर्च पर क्लिक कर लेना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ पर जो नीचे सर्च बार दिया गया है यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे खसरा गिरदावरी निकालनी है तो यहाँ पर मैं खसरा टाइप कर लूँगा, यहाँ पर जो भी खसरा गिरदावरी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट ईयर में किस ईयर की आपने लैंड रिपोर्ट निकालनी है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद उसी के सामने जो है उसका पीडीएफ दिया गया हुआ है, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। पीडीएफ पे क्लिक करते ही आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जो डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो पीडीएफ है यानी जो भी लैंड रिकॉर्ड की जो बुक थी उसी को इन्होंने स्कैन करके यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन सर्च पर जाकर यहाँ पर जो है खसरा नंबर डालकर आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपने खसरा नंबर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट वैल्यू में आपने खसरा नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सबमिट पे क्लिक कर लेना है। अगर आपके पास खसरा नंबर नहीं है तो यहाँ पर जो नीचे डोंट पेज का एरो दिया गया है आपने इस पर क्लिक करके इस खाता बुक में जो आपके लैंड रिकॉर्ड रिपोर्ट है वो आपने फाइंड कर लेनी है। अगर आपके पास खसरा नंबर है तो बिल्कुल सिंपल, आप यहाँ पर सर्च पे क्लिक करके उसके बाद आपने खसरा नंबर सेलेक्ट कर लेना है और जो भी खसरा नंबर है उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपके पास जो भी रिपोर्ट होगी वो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगी। अगर आपने इसे डाउनलोड या प्रिंट करना है तो यहाँ पर जो नीचे आइकन प्रिंट का दिया गया हुआ है इसे आपने प्रिंट कर लेना, और अगर जूम करना है तो यहाँ पर जूम का भी दिया गया हुआ है। बाकी यहाँ पर फिल्टर, क्रॉप वगैरह ये आप देख सकते हैं इसमें दिए गए हैं, इन्हें आप यूज करके इसे क्रॉप या फिर ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाकर देख सकते हैं। तो इस विंडो को हम क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद अगर जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है, सेम इस तरह आप इसे फाइंड कर सकते हैं। तब हम फिर से होम पेज पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया हुआ है लिंक मोबाइल एंड आधार नंबर, यहाँ पर आप क्लिक करके आप अपने लैंड रिकॉर्ड्स को जो है आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आपको जो है कुछ ही डिटेल्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आधार कार्ड को अपलोड करना है और यहाँ पर कैप्चा को फिल करके सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। इसे आप फिलहाल रहने दें। उसके बाद आता है व्यू मैप, इसको भी रहने दें और फीडबैक को भी रहने दें। उसके बाद आ जाती है डिजिटलाइज्ड जमाबंदी। अगर आपको जमाबंदी फाइंड करनी है
तो आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, तहसील को सिलेक्ट कर लेना है, सैम विलेज को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपने ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप किस चीज़ से फाइंड करना चाहते हैं जमाबंदी, उसे आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। अगर खीवत नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर, या अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी नहीं है, यहाँ पर आप ऑनर नेम से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम खसरा नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जो है आपको खसरा नंबर को फिर से सिलेक्ट कर लेना है। जो भी खसरा नंबर होगा उसे आपने सेलेक्ट कर लेना और सर्च पर क्लिक कर लेना। जैसे आप सर्च पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर जो है आपके सामने आपकी लैंड रिपोर्ट आ जाएगी। अगर इसमें आपको जो है लैंग्वेज वगैरह चेंज करनी है तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन भी दिया गया हुआ है। जिस भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होकर आपकी जो लैंग्वेज जिसको आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आ जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। So okay guys, thank you so much for watching this video.